फाइनली गाइस कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर हम कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो आप लोग भी मेरे जैसा इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा फुल वॉच कर ले। और आप लोग भी मेरे चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, मेरा पहला वीडियो आप लोग के पास जा सके। तो देख सकते हैं मेरा बिफोर एंड आफ्टर फोटो कितना बेकार दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करना क्या है, हम इसी फोटो को शेयर करेंगे कहाँ पे, तो यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन पे शेयर कर लेंगे। तो देख सकते आ चुके हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले हमको करना क्या है, तो यहाँ से टूल्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टूल्स पे क्लिक कर लेना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिटेल्स पे क्लिक करके साइज को बढ़ा लेना है। देख सकते हैं हमारा फोटो एकदम HDR हो चुका है। इतना सब हो जाने के बाद हमको फिर से करना क्या है, तो यहाँ से डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डन कर देना है। इतना सब हो जाने के बाद गाइस हमको करना क्या है, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ ट्यूनिंग इमेज दिखाई देगा, ट्यूनिंग इमेज पे क्लिक करना है एंड इसकी एमिनियंस को 41% बढ़ाकर यहाँ से डन कर देना है। यहाँ से डन कर लेने के बाद फिर से हमको करना क्या आते हैं, टूल्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इधर, टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट कर लेना है इसको। इसका सेलेक्ट करके जहाँ हम लोग का ब्लैक रहेगा वहाँ पे इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देना है, अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा लेना है। तो देख सकते हो चुका है हम लोग का फोटो इसमें एडिटिंग। तो सबसे पहले हमको करना क्या आता है, शेयर वाला ऑप्शन दिखाया और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पे हम लोग को वेट कर लेना है। तो देख सकते हो चुका है हम लोग का फोटो शेयर। तो सबसे पहले हमको इसको इंपोर्ट कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सब पहले देख सकते हैं आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमको अपना ये ओरिजिनल फोटो देख लेना है, बिफोर एंड आफ्टर मेरा फोटो देख सकते हैं कितना बेकार अभी दिख रहा है। अभी हम इसी फोटो करने वाले हैं एडिट। तो सबसे पहले हमको करना क्या आता है, एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे बैक आ जाना है। एंड बैक आने के बाद हमको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, हमको इंडिया वाला फोटो ले लेना है। एंड इस फोटो करना क्या है, तो हमको यहाँ थ्री डॉट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एंड थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी सेटिंग इसका कर लेना है। एंड कॉपी सेटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ कॉपी सेटिंग कर लेने के बाद यहाँ डन करना है, फिर से अपने ओरिजिनल फोटो के ऊपर आना है। देख सकते हैं कितना हम लोग का फोटो अभी तो बेकार दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, तो थ्री डॉट वाली ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर ऊपर के साइड में। एंड थ्री डॉट ऑप्शन ओपन के ऊपर क्लिक करके हमको यहाँ पेस्ट सेटिंग कर देना है। अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। इस फिर सारी कार्य में लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा एंड टेलीग्राम पे डालूंगा, वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद तुमको करना क्या है, तो सबसे पहले तुमको यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जो ऊपर की साइड में फोटो को शेयर कर लेते हैं। यहाँ से शेयर टू पे देख सकते हैं, शेयर टू एंड शेयर टू पे क्लिक कर लेते हैं। एंड हमको इस फोटो को शेयर कर लेना है कहाँ पे, तो यहाँ से ऑटोटेक स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे शुरू में ऑटोटेक स्केच बुक का लोगो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आ चुके हैं हम अपने ऑटोटेक स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर। तो हमको पहले तो इस लेयर को डिलीट कर लेना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या, तो लाइब्रेनिंग वाला ऑप्शन भी जाना है। लाइब्रेनिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। एंड ये वाला ब्रश सेलेक्ट करके आपका इसका सेटिंग देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्मूथ। यहाँ से इस पर क्लिक करके आप लोग स्मूथ कर लीजिए। स्मूथ कर लेने के बाद इसको होलो को 5% एंड स्ट्रेंथ को 12% बढ़ाकर यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमको सबसे पहले तो करना क्या है, अपने फेस के ऊपर जूम करके कुछ हल्के हाथों से अपने अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी अप्लाई कर लीजिए। देख सकते हैं कितना HDR अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इस अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।